शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरं शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। सत्य का उपासक, मानवता का पुजारी, भारत माँ का लाल, वो था बापू गांधी। जी हाँ, अहिंसा का उपासक, साबरमती का संत, जन जन का बापू, अहिंसा और करुणा की परंपरा को जीवित रखने वाला महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व, स्वतंत्रता के प्रणेता को देशवासियों का शत शत नमन। 2 अक्टूबर 2019 बापू की 150वीं जयंती, देश का सबसे बड़ा उत्सव। सभी देशवासी इस महात्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए अग्रसर। दिल्ली की ललित कला अकादमी भी इस महात्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए समर्पित है। उत्सव का आरंभ हुआ अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारणी द्वारा बापू की नव स्थापित मूर्ति पर पुष्प अर्पण के साथ। बापू आजादी के नेतृत्व देने वाले एक महानायक थे। ये महानायक जिन्होंने अपने जीवन संघर्ष से लड़कर समाज को जागरूक किया, देश के लिए मर मिटने के लिए जागरूक किया, जाति धर्म को पार करते हुए सभी समाज को एक साथ खड़ा किया और देश की आज़ादी में पूरे देश का सहयोग संपादन करने में महात्मा गांधी यशस्वी रहे। डॉक्टर पाचारणे जी ने मुख्य अतिथि दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय अनिल बैजल जी का स्वागत किया। उपराज्यपाल माननीय अनिल बैजल जी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। ये दीप प्रतीक है प्रकाश एवं सत्य का, जो अंधेरे से प्रकाश की ओर लाता है। बापू का मन पसंद भजन। इस सुमधुर धुन से वातावरण संगीतमय हो उठा। समारोह में अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारणे जी के साथ साथ अनेक गणमान्य व्यक्ति, कला समीक्षक एवं कला प्रेमियों ने हिस्सा लिया। माननीय बैजल जी ने महात्मा गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए अब हम बैजल जी द्वारा महात्मा गांधी के जीवन पर कुछ मधुर विचार सुने। अब हम कोशिश कर रहे हैं कम से कम दिल्ली में और कुछ ना हो तो कुछ जगहों पर पब्लिक आर्ट प्रमोट कर सकें, जिससे कि जो सब चीज़ें बंद हैं आर्टिस्ट के यहाँ या गैलरीज में, अगर उनका और कुछ नहीं तो कॉपी ही अगर बाहर आ सके तो देश के शहर के लोगों को ये मालूम तो पड़ेगा कि ये भी है। आर्ट एंड कल्चर से हम बहुत सीखते हैं। एंड बिलीव यू मी, एज आई सेड, मैं शायद ऐसा ही इंसान हूँ जो आर्ट एंड कल्चर के बारे में ज़्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आई कैन एडमायर ए ब्यूटिफुल पीस। सो ऑन दिस ओकेजन 150th एनिवर्सरी ऑफ बापू, फॉर मी टू इनॉग्रेट दिस एग्जिबिशन ऑन बापू, आई थिंक कुड हैव बीन ए ग्रेटर ऑनर देन दिस। सो आई एम रियली टच्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड माई वाइफ। In which the rocks of the sculptures have been chosen by Chairman Sir Uttam Panchani, is history rewinding itself. Because when you look at the sculpture of Ramsutta, you realize that you are looking at a genius. He does not fabricate. He does not manufacture. He creates works with his own hands. And the most beautiful thing about art is that. Thank you for coming.
पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी उनकी जन्म तिथि पर अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचार्य ने श्रद्धा सुमन अर्पित की। एक बहुत ही याद दिलाने वाली बात है, बापूजी के जन्म दिन के साथ ही हमारे पंतप्रधान, माजी पंतप्रधान लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती आती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान नारा लगाया और देश की रक्षा करने वाले, बंदूक हाथ में लेने वाले, बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के लिए और खेती उगा के अन्य धान्य हमें देने वाले किसानों को एक साथ जोड़ के कई आदर्श ऐसे अपने वर्णन से, वर्तन से, आदर्शों से भरपूर ऐसे हमारे सीधे साधे शास्त्री जी जो देश के पंतप्रधान रहे हैं, आज भी उनकी जयंती है, उनको भी हम अभिवादन करते हैं। इस अवसर पर अकादमी की चारों कला दीर्घाओं में कलाकारों की आंखों के माध्यम से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में देश भर के कलाकारों द्वारा बनाई हुई 200 पेंटिंग्स तथा 13 मूर्तियां प्रदर्शित की गई हैं। बा का जो समर्पण गांधी के लिए था, तभी गांधी शायद हिंदुस्तान के लिए समर्पण कर पाए। गांधी कोई ऐसा इंसान नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो और उस विचारधारा में ये कस्तूरबा बहुत सटीक बैठती हैं, क्योंकि रोटी दे रही हैं। गांधी का विचार है कि हर भारतीय को एक रोटी मिलना चाहिए और बा उसको पहल कर रही है गांधी के थ्रू। तो मुझे लगा कि मैं इसको बनाऊँ तो अच्छा लगेगा शायद लोगों को, और लोगों को पसंद भी आया। गांधी थ्रू द आइज ऑफ द आर्टिस्ट पे आपको कोई चित्र बनाना है, तो मैं ये सोचने लगा कि किस चीज़ को मैं इस तरह से शो करूं कि उसमें गांधी की सारी फिलॉसफी आ जाए। गांधी को हमने एक सिर्फ एक पैसे के अंदर या एक सिक्के के अंदर कैद करके रख दिया है, तो इस पेंटिंग के जरिए मैं यही बता रहा था कि गांधी जी उस चीज़ से निकलना चाह रहे, बोल रहे हैं कि मैं सिर्फ यही नहीं हूँ, मैंने और भी बहुत सी चीज़ें ड्रीम करी थी इंडिया के बारे में, मॉडर्न इंडिया के बारे में, हारमोनी के बारे में, उस पर भी ध्यान दिया जाए, और इस कला के थ्रू इस मैं यही दर्शाना चाह रहा हूँ। ललित कला अकादमी ने गांधी जी की 150वीं जयंती पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें देश भर से 200 कलाकारों के काम लगे हैं। इस प्रदर्शनी का एक हमने कैटलॉग भी छापा है जो अकादमी के विक्रय विभाग में उपलब्ध है। मेरे लिए गांधी क्या मायने रखते हैं, उस पे हर एक कलाकार ने अपना काम किया है। तो गांधी इज़ नो मोर एन आइडियल या एक पर्सन नहीं रह गए हैं, वो एक विचार रह गए हैं, वो एक फ्लो हैं जिसको हम सब सीख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, और जितना ही हम उनको अपनी ज़िंदगी में इनकॉर्पोरेट करेंगे उतने ही हम आगे बढ़ेंगे। अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पचारने इस पूरी एग्जिबिशन के हमारे मेन मोटिवेशन रहे हैं, और जब से उन्होंने अकेडमी ज्वाइन किया है हम लोगों का ये ऑनर है कि उनके साथ हमें काम करने को मिल रहा है। वो कलाकार भी हैं और उनकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत फ़र्क है, वो जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, और ललित कला ने बहुत सारी ऑल वीमेन शोज़ और ऑल वीमेन्स कैंप्स एंड वर्कशॉप्स करे हैं, और उसी एक मूल को लेने के लिए, उसी एक जो एक बेसिक आइडिया होता है उसी की तरह उन्होंने ये शो भी हमारा इनकॉर्पोरेट किया है कि हम सिर्फ गांधी को एक सेलिब्रेशन ना रखें, हम उसको एक कमेमोरेशन बनाए हैं। तो उसी तरीके से सारे आर्टिस्ट इस एग्जिबिशन में आए हैं, और सारे आर्टिस्ट हम सब इस गांधी जो हमारे बापू रह चुके हैं उनको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मतलब हम थैंकफुल हैं कि डॉक्टर उत्तम पचारने जी ने हमारे को इतना विजन दिया है कि हम ये शो कर पाए और इतनी ब्यूटीफुली इसको क्यूरेट करें हैं। ये देश हित में है, ललित कला के लिए एक बड़ा संभावना की बात थी। ललित कला का धन्यवाद देता हूँ, उनके चेयरमैन साहब का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कलाकारों को इतना स्थान दिया और इस प्रदर्शनी के लिए ललित कला उपलब्ध कराया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संदेश में बापू शीर्षक से ललित कला अकादमी द्वारा प्रदर्शनी के आयोजन पर शुभकामनाएं भेजी हैं और कहा है कि बदलते समय के साथ गांधी जी के जीवन दर्शन और विचारों की प्रासंगिकता पूरी दुनिया में बढ़ी है। मुझे विश्वास है कि गांधी जी के जीवन व विचारों को जन जन तक विशेषकर युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में प्रदर्शनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। संस्कृति राज्य मंत्री ने नई पीढ़ी के बीच शांति का संदेश देने के लिए अकादमी की पहल की सराहना की। कलाकृति की एक ताकत बहुत बड़ी रहती है, हमेशा वो मैसेज देती रहेगी, संदेश देती रहेगी। आज यहाँ करीबन 150 कलाकार आके अपनी कलाकृतियाँ बना रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, मिलके 150 काम कर रहे हैं। इनको अपने काम के जरिए गांधी विचार का एक जुड़ाना ललित कला एकेडमी का एक उद्देश्य है। इनको सभी को हम गांधी जी के विषय पर जुड़ाएंगे, उनके एक्सप्रेशन हम चाहेंगे गांधी के ऊपर कि तुम्हें बापू कैसे दिखते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी ये शख्स इसके लिए बड़ा है कि हर छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट उनका पिक्चर बनाने में कभी पीछे नहीं रहता। समारोह में महात्मा गांधी एवं विश्व शांति विषय पर पेंटिंग कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें अनेक कलाकारों ने उत्साह के साथ भाग लिया। कलाकारों के बापू के प्रति भिन्न भिन्न भाव और भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियाँ प्रदर्शित की गईं। अकादमी चेयरमैन डॉक्टर पाचारणे ने अतिथियों के साथ इस कार्यशाला का अवलोकन किया तथा कलाकारों से बातचीत की। उस टाइम कुछ कलरफुल नहीं था, वो ब्रिटिश के मतलब अंग्रेजी का ज़माना था और कुछ उतना अच्छा फ्रीडम नहीं था, लेकिन गांधी जी सिर्फ फ्रीडम के लिए आपने सब कुछ त्याग कर दिया। हाँ, उन्होंने उनका जो लाइफ मैंने वही डेडिकेशन कर दिया, उनका जो फेस है वही ब्लैक एंड वाइट में डाल दिया और थोड़ा सा ब्लूश जो रे दिखाया। और इसमें जो अभी जो ज़माना अभी जो मॉडर्न जो कॉन्सेप्ट उसमें येलो वाली ये अभी मैंने दिखाया। मेरा थॉट यही है कि गांधी जो देश के राष्ट्रपिता हैं 150 साल बाद में भी उनकी अभी भी वही जो सत्य अहिंसा पर सोच थी आज भी वही कंटेम्प्रेरी है, तो उसे कंटेम्प्रेरी वे में मैंने प्रेजेंट करने की कोशिश की है। एक पेपर माशे कार्यशाला भी आयोजित की गई। इसमें भाग लेने वालों की खुशी एवं उत्साह देखने लायक थी। अकादमी चेयरमैन डॉक्टर पाचारणे ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में भारत भर की विभिन्न ललित कला अकादमियों में समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी दी। आज गुजरात में हम लोग बड़ौदा कॉलेज में गांधी जी के जीवन के इस स्मृति को ध्यान में रखते हुए कल से हमने बापू के ऊपर एक ग्राफिक में कार्यशाला का आयोजन किया है। आज हमारे मद्रास सेंटर में गांधी जी जीवन के ऊपर मद्रास जोन के जितने भी आर्टिस्ट हैं वो वर्कशॉप कर रहे हैं। कलकत्ता में हमारा जो इंस्टीट्यूट है वहाँ के सीनियर आर्टिस्ट लेके गांधी की फिल्म में दिखाएंगे, गांधी के विचार का आदान प्रदान करेंगे, गांधी जी के विचारों का पठन करेंगे और वहाँ भी वो लोग पेंटिंग बना रहे हैं। ऐसे देश के विविध प्रांत में ललित कला एकेडमी अपने सेंटर में इस तरह के आयोजन करने जा रही है। अलग रूप से ललित कला एकेडमी पूर्णतः अपना कार्यक्रम रखती है या कला संस्थाओं के साथ हाथ मिला के कार्यक्रमों का आयोजन करती है। विविध क्षेत्र से आने वाले कलाकार हैं उनके लिए इसको सहभाग करने का यही साधन है। कुछ कार्यक्रम हम महिलाओं के लिए भी रखे हैं। हाल में जो इंदौर का जो कार्यक्रम हो गया है हमारा, जो महिलाओं के लिए स्पेशली था, और जो वर्कलो हैली ओरिसा में ट्राइबल आर्टिस्ट वुमेन के लिए काम हो गया गांधी जयंती के अवसर पे, एक बहुत बढ़िया हमने वहाँ काम किया। बिहार में भी हम लोग एक स्कल्पचर के लिए काम किया है। अकादमी में लगी गांधी जी की मूर्तियों को बनाने का श्रेय जाता है प्रसिद्ध शिल्पकार राम वी सुतार पद्म भूषण को। उनके साथ भी कुछ टाइम गुजारे हैं,
तो अच्छा लग रहा। और 48 में गांधी जी की पहली मूर्ति है बनाई मैंने, तो गांधी जी के विचार जो शांति का है ना, हमें ही बहुत अच्छा लग रहा है। शांति प्रिय मतलब गांधी जी थे, उससे सब लोग गांधी शांति प्रिय होना चाहिए ये इच्छा है। और वो गांधी जी की प्रतिमा मेरे हाथ से बहुत बनी है, ये भी दुनिया को शांति का संदेश देने वाला मेडिटेशन पोज में ऐसे ही मूर्तियाँ बनी है। ये बहुत बड़ा संदेश गांधी जी का सारी दुनिया में, और ये सही शांति दूत के रूप में समझो गांधी जी के ये हुए। अकादमी में आयोजित स्वच्छ भारत अभियान में अकादमी चेयरमैन डॉक्टर पाचार्य ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों तथा अकादमी अधिकारियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत सरकार की यह सोच 150वीं जन्मशती महात्मा गांधी जी का, जो उन्होंने जो स्वच्छ भारत की जो संकल्प लिया था, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको एक साकार रूप देने के लिए हर प्रांत में हर जगह में उन्होंने कार्यक्रम करने के लिए हर मिनिस्ट्री को उन्होंने काम सौंपा था। बापू जयंती पर लोगों से एकल प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने का आग्रह किया गया और इस मुद्दे पर समाज को एकजुट करने का आह्वान भी हुआ। साथ ही कपड़े के बने थैले भी वितरित किए गए। सबसे बड़ी बात है आज का दिन एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी हो रहा है, हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भाई प्लास्टिक का निरोध कर रहे हैं। जो मैं ये पेंटिंग जो ये बनाया जो नेचर के ऊपर है, गांधी एंड नेचर के ऊपर हमारा जो मेरा संकल्प है ये है, तो नेचर के साथ जुड़ना है। अकादमी अध्यक्ष डॉक्टर उत्तम पाचारणी जी ने अकादमी के इतिहास पर भी नजर डाली। कलाकारों के कलाकृतियों को न्याय देने के लिए, संशोधन के लिए, उनके प्रमोशन के लिए, उन्हें अवार्ड्स देने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पे उन्हें सम्मान देने के लिए राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की यहाँ स्थापना हुई रविंद्र भवन में। 1954 में उसकी नींव रखी और ढंग से उसका काम उनका 59 से शुरू हुआ। उसके बाद इस देश ने बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों को हमने पाया। देश भर में कई जगह जैसे शांति निकेतन से एक रविंद्र कल्चर था, यहाँ पश्चिम में आधुनिक कला का संगम, पश्चिम भारत में मुंबई जैसे संस्था में जे स्कूल ऑफ आर्ट के रूप में स्थापन हुआ था, यहाँ बड़ौदा में रिसर्च रूप में काम चलता था और दिल्ली में भी बहुत सारे कलाकार जो आके बसे थे। इनका एक साथ प्रमोशन का सेंटर ये ललित कला एकेडमी बना। चहल पहल भरे इस कार्यक्रम के पश्चात फिर सभी मेहमानों का धन्यवाद किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया। ललित कला अकादमी अपने मुख्य उद्देश्य अभिनव एवं रचनात्मक कला क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा तथा प्रोत्साहित करते हुए बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। Thank you.